अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मौसम भी बड़ा अच्छा है और ज़रा ठंड ठंड हो गई, इसलिए मैंने जैकेट शैकेट निकाल के पहन ली है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है मोरिंगा पाउडर के ऊपर है, इसको किस तरह कंज्यूम करना है, इसको किस तरह लेना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान इसका कोई भी नहीं है। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम में ऐड है, मैंने हफ्ता पहले इसकी पोस्ट लगाई थी, एक ड्रिंक मैं पी रही थी, उसको मैं वेट लॉस के लिए इसको मैं यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। और लड़कियों ने इतनी तारीफ़ें की, इनियाँ तारीफ़ा कीतियाँ, इनियाँ तो तुसी कभी मेरियाँ भी नहीं कीतियाँ मजाक के अलावा इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं सारे। अगर आप लोग को ना फ़ायदे पता चले ना, आप अपने बड़ों से पूछो, नानों से या दादा बू से या नाना बू से, वो आप लोग को सही डिटेल में बताएंगे पुराने वक्तों में कितना इस्तेमाल होता था, क्योंकि मुझे भी इसका पता नहीं था। मुझे रिसेंटली एक महीना पहले इसका पता चला है और ये मैंने ऑर्डर किया और मैंने इसको लेना शुरू किया, इसका मेटाबॉलिज्म तेज़ हुआ है, इससे मेरा विदाउट डाइटिंग 1 किलो वज़न कम हुआ है। मैंने सब कुछ खाया, बर्गर पिज्जे सब कुछ, बस मैंने ये पिया है, इसको नीम गर्म पानी के अंदर मैं आपको ड्रिंक बना के बताऊँगी, ठीक है, ये पियो से वेट लूज़ हुआ। अच्छा, इसके फ़ायदे डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम कोलेस्ट्रॉल लेवल लो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम शुगर वाले अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर कैल्शियम है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है ये, उसके बाद आपको वेट लॉस में मदद करता है आपकी, आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ करता है और आपको बहुत फ़ायदे हैं इसके, बहुत ज़्यादा। कोई सप्लीमेंट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग डेली रूटीन में कैल्शियम की कोई गोलियाँ ले रहे हैं या कोई भी आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई भी ज़रूरत नहीं, इसके अंदर सब कुछ है, हेयर सप्लीमेंट तक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने अपने हेयर सप्लीमेंट्स छोड़ दिए हैं, जो कि मैं बायोटिन खा रही थी, आप सबको पता है, अब मैं ये इस पे प्रेफर कर रही हूँ, इसको मैं डेली पी रही हूँ। मैं अब आप लोगों को बताऊँगी इसकी प्राइस, देख लेते हैं इसकी प्राइस है, जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से ले लीजिएगा। वरना अगर आप लोग के घर के बाहर कोई आसपास पौधा लगा हुआ है तो आप लोग वहाँ से भी लेके खुद सुखा के उसको पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो मोरिंगा है ना, उसका जो पत्ता होगा, उसकी जो स्पेशी होती है, वो आप लोग ने लेनी है ऑलिफेरा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशीज आ जाती हैं। हम लोग ने बाकी नहीं लेनी, बाकी खाने वाली नहीं होती हैं, उनका बेनिफिट नहीं होता है। अगर आपके कोई दरख्त वगैरह लगा हुआ है, आप लोगों ने फार्मर से या किसी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा लेना है, ये ऑलिफेरा ही क्या गया। अच्छा जी, तो हमने यही वाला ऑलिफेरा लेना है, क्योंकि बाकी जो इसके होंगे ना, इसकी टाइप्स होंगी, उसका फ़ायदा नहीं होगा आपको, आपने यही लेना है। अगर आप लोग को मिल जाए घर में बना ले, वरना ये तो आपको ईजिली ऑनलाइन 1150 का मिल जाएगा, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक टैग कर दूंगी। उसके बाद इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये सारे पीछे लिखा हुआ है। अब इसकी ड्रिंक बनाते हैं जिस तरह मैं पीती हूँ। अच्छा जी, आपको चाहिए 1 ग्लास एप्पल साइडर विनेगर, कोई भी आप एप्पल साइडर ले सकते हो, हम लोग थोड़ा सा डालेंगे, दैट्स इट, ठीक है जी। ये हम वेट लॉस ड्रिंक बना रहे हैं, बहुत अच्छी है, आप लोगों ने निहार मुँह पीना है इसको, और आप लोगों ने उसके घंटे या 2 घंटे के बाद नाश्ता करना है, 10 मिनट वॉक कर लो, वज़न बहुत जल्दी गिरेगा आप लोग का, ठीक है, मेटाबॉलिज्म आप लोग का तेज़ हो जाएगा। और अच्छा जी, तो उसके बाद हमने क्या करना है, पानी डालना है नीम गर्म। हम लोगों ने बहुत गर्म पानी नहीं लेना, इसकी ना वो चेंज हो जाती है प्रॉपर्टीज़, हम लोगों ने इसको नीम गर्म ही पीना है, इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है। देखें इतना सा भी पानी डाल लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग टीस्पून हल्की सी, ज़्यादा भर के नहीं डालनी, मोरिंगा पाउडर इसको डाल के मिक्स करेंगे अच्छी तरह, इसको कुछ सेकंड्स का, 30 या 40 सेकंड्स का गैप देंगे, ताकि अच्छी तरह ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, डिज़ोल्व होती है फिर मैं वापस आती हूँ। अच्छा जी, तो अब ये डिज़ोल्व हो गया है, अच्छी तरह मिक्स हो गया है सारा, ठीक है, इसको 1 मिनट लगा है। उसके बाद हम दोबारा इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको जितना हमने पीना है, ठीक है, बेशक इतना पी लो, पूरा ग्लास पी लो, जितना आप लोग पी सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा पीना आप लोगों को मुश्किल लगेगा, लेकिन वेट लॉस के लिए कुछ भी, आपकी PCOS ट्रीट करेगा, वेट लॉस को कंट्रोल करेगा, वेट लॉस अगर कर रहे हैं ना, बहुत जल्दी होगा। लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों ने फिजी ड्रिंक्स छोड़नी है, और निहार मुँह अगर इसे पियोगे एप्पल साइडर विनेगर डाल के, बेस्ट, कोई इसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं है, बुरा टेस्ट नहीं है, बस वेट लॉस ड्रिंक की तरह आप लोग ने पी लिया। बुरा नहीं है टेस्ट,
बहुत अच्छा है। नहीं मजाक के अलावा बुरा नहीं है, नॉर्मल टेस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, इसका एक तो ये फ़ायदा हो गया, ये वेट लॉस होगा इससे बहुत जल्दी। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, जिन लोगों को पीस के उसका मसला है, जिन लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर हैं, जिन लोगों को कमर में दर्द है, जिन लोगों को घुटनों में दर्द है, जिन लोगों के पूरी जिस्म में दर्द है, मेरे कभी कभी कमर में दर्द हो जाता है, अब मैंने ये पीना स्टार्ट किया है, अब देखते हैं क्या जादू होता है। उसके बाद इसको हर कोई कंज्यूम कर सकता है, बच्चा भी कंज्यूम कर सकता है, 15 साल के बाद आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। 15 साल से पहले तो इंसान वैसे ही बड़ा मजबूत मजबूत होता है, उसके बाद ही मसले मसाइल आना शुरू होते हैं। उसके बाद एक और बड़े मज़े की बात है, इससे हम फेस पैक बना सकते हैं, इससे ग्लोइंग स्किन होती है, इससे पिंपल्स ख़त्म होते हैं, इससे पिंपल्स के निशान ख़त्म होते हैं। इतने फ़ायदे, इतने फ़ायदे, मैं तो हैरान से रह गई हूँ। अच्छा जी, इससे हम अब फेस पैक बनाते हैं, ठीक है जी। फेस पैक बनाने के लिए हमें एक बाउल चाहिए, ठीक है, मेरा फेवरेट बाउल। हम 1 चम्मच मोरिंगा लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद दही 2 चम्मच, जिसमें ये पेस्ट बन जाए। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ठीक है। मैं मिक्स करके वापस आती हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा मिक्स कर। चलो कोई ना, बैठो मेरे साथ ही, ठीक है। हमने दही डाल दिया, उसके बाद मैंने डालूंगी सिद्रा बेरी हनी थोड़ा सा। ये हनी चला गया, हनी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ये बहुत अच्छा हनी है, जिन्होंने इधर से मंगवाना है वो इधर से मंगवा सकते हैं। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखिए ये पेस्ट बन गई है, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा वो नरम हो, ताकि आसानी से मुंह पे लग जाए। और हम 25 मिनट के बाद मुंह धो लेंगे। अब कोई भी आप लोग ब्रश लो, ठीक है, ये मुंह पे लगा लेते हैं हम। जो लोग घर बनाना चाहते हैं, ख़रीदना नहीं चाहते, वो लेकिन इस बात का स्पेशल ख्याल रखना है कि जो मोरिंगा है ना, ये वाला हो, ओलिफेरा। हाँ जी जनाब, तो अब मैंने ये सारा अपना फेस पैक लगा लिया है फॉर ग्लोइंग स्किन। इससे आपको ग्लो मिलेगा, इससे आपके पिंपल्स के निशान जाएंगे। जो जो इंटरेस्टेड है इसको लेने में या घर बनाने में, लाजमी ले, लाजमी घर बनाए और लाजमी पिए, क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी कि वहाँ पर लिखा हुआ था, अगर दही खाने में चूज़ करना हो और मोरिंगा खाने में चूज़ करना हो तो क्या खाया जाए। उन्होंने लिखा था मोरिंगा मोरिंगा मोरिंगा, और मुझे इतना मज़ा आया ना पढ़ के। मतलब दही को कहते हैं कि डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए औरतों की, ठीक है। और अगर दही के नस्बत मोरिंगा आपको प्रेफर कर रहे हैं, तो वाकई कोई चीज़ होगी ना मोरिंगा। तो इसलिए इसको दही में बेशक 1 चम्मच डाल के खा लें, या नीम गर्म पानी में कर लें, गड़गड़ गड़गड़ करके फ़ौरन पी लें, ठीक है जी। अब इसको मैं 25 मिनट तक ड्राई होने दूंगी। 25 मिनट के बाद मैं अपना हाथ थोड़ा सा गीला करके सर्कुलर मोशन में इसकी मसाज करूंगी और अपना मुंह धोऊंगी, ठीक है जी। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करें। हाँ जी जनाब, तो अब मैंने अपना मुंह धो लिया है अच्छी तरह, लेकिन साबुन शाबुन से नहीं धोया, इसलिए आप लोगों को ग्रीन ग्रीन पार्ट नज़र आ रहा है, वरना ये भी रिमूव हो जाना था अगर सूप वगैरह से धोती हुई अपना मुंह। उसके बाद अब डिस्कस कर लेते हैं किन लोगों को इसको यूज़ नहीं करना है। अगर आप लोग कंसीव करना चाह रही हैं तो इसको यूज़ करना छोड़ देना है। अगर आप लोग प्रेगनेंसी में, हम लोग नहीं इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे गायनाकोलॉजिस्ट हमें मल्टी वाइटमिन फॉलिक एसिड हमारी बॉडी के हिसाब से देती हैं, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज्यादती है, इसलिए हम लोग ने डबल डबल चीज़ें नहीं खानी है। इसलिए बेहतर ये इसको छोड़ दिया जाए। उसके बाद फीडिंग मदर्स, वो भी अपने डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करें, ताकि तसल्ली हो जाए, वैसे इसका नुकसान कोई भी नहीं है। इस पर वीडियो बनाना इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे, मुझे नहीं पता चला। जब मुझे पता चला, मैंने इसको कंज्यूम किया और वेट लॉस में वाकई इससे बहुत ज़्यादा हेल्प की, मेटाबॉलिज्म तेज़ हुआ। अच्छा, इससे ना कॉन्स्टिपेशन का मसला भी हल होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बात है। मेटाबॉलिज्म जब तेज़ होता है ना, इंसानी कॉन्स्टिपेशन खुद ही कंट्रोल हो जाती है, खुद ही कम हो जाती है। उस बाद जब निहार में उसको पीते हैं, उसके बाद घंटे या 2 घंटे के बाद नाश्ता करते हैं ना, बहुत बेस्ट है, ठीक है जी। बाकी आप लोग अपनी दवा में मुझे याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत 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 शुक्रिया, और जिन्होंने इसको यूज़ किया हुआ है ना और जो इसके बेनिफिट्स जानते हैं, तो वो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि बाकी लोग भी पढ़ें और जो
चीज़ें मुझसे स्किप हो गई हैं जो बेनिफिट मैंने नहीं बताया और किस लिए यूज़ नहीं करना कुछ लोगों को, तो वो भी आप लोग डिस्कस करें ताकि मुझे भी फ़ायदा हो, क्योंकि मेरे लिए भी ये चीज़ नहीं है और जो जिनके लिए बिल्कुल ये नहीं है उनको भी पता चले कि वाकई इसका फ़ायदा है। ठीक है जी, ओके जी, अपनी दवाओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।